दोस्तों ये शॉर्ट है, शॉर्ट में जो है चाइनीज राउंड कितना रखना चाहिए और कितना रखेंगे तो अच्छा लगेगा, तो इसी पे जो है वीडियो है पूरा देखिए। बहुत ही छोटा जानकारी है, बहुत ही बेस्ट जानकारी है। तो ये देखिए, या छोटा बच्चा हो या ज़्यादा लंबा, तो इसको जो है चाइनीज करने का जो तरीका है, ये जो नीचे का जो हम फोल्ड करने के इसमें मार्जिंग दिए हैं, ये 1.25 इंची दिए हैं, 1 इंची में 2 सूत कम, तो ये नीचे वाले से जो है 2 इंच पे इस तरीके से हम मार्किंग लगाएंगे। ओके, और यहाँ से जो है यहाँ पे इस तरीके से इसको 50-50 कर लेंगे। ठीक है, ये 5 इंच में 1 सूत कम आएगा क्योंकि 10.25 है, देखिए। ठीक है, यहाँ से अब क्या करेंगे कि यहाँ से इस तरीके से अब इसको हल्का राउंड कर देंगे। ये देखिए, अब राउंड करेंगे तो ऐसे ले जाके यहाँ पे राउंड नहीं करेंगे, इससे जो है लगभग 1.5 से 2 इंची इधर ही, ये देखिए लगभग ये 1.5 इंची इधर ही यहाँ तक ऐसे उठा कर ले जाएंगे। ठीक है, उठा कर ले जाने के बाद क्या करेंगे कि इसको अब यहाँ से हल्का स्ट्रेट करने की हम कोशिश करेंगे सीधा। ठीक है, इससे क्या होगा कि कुछ इस तरीके से ये दिखेगा, बहुत ही बेस्ट दिखता है। इसको हम कटिंग करेंगे तो थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से करेंगे, जैसे कि पूरा इसको टहकार मार्का करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से ये दिखेगा। तो ये देखिए कितना बेस्ट दिख रहा है। क्या आप लोग भी इसी तरीके से मार्किंग करते हैं? करते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नहीं तो आप भी ऐसा कीजिए, बहुत ही बेस्ट आएगा। अब जो है बैक साइड कैसे करेंगे, बैक साइड में जो है ये राउंड कैसे करेंगे, क्योंकि बैक साइड 1/2 इंची से 1 सूत कम या 1/2 इंची छोटा होता है, तो उसको इसी तरीके से राउंड कैसे करेंगे, जैसे बैक वाला भी हम दिखाएंगे। चलिए इसको जो है फिलहाल हम कट कर दे रहे हैं। ये जो कट करेंगे इसमें सिलाई का मार्जिंग देकर कट करेंगे, इसमें जो हम लूजिंग दिए हैं 1.5 इंच दिए हैं, ये जो बिल्कुल फिक्स फिटिंग नहीं है, मीडियम फिटिंग है। फिक्स फिटिंग में जो है 1.25 इंच का मार्जिंग दिया जाता है। तो इसको कट करके इसको बैक पल्ला हम दिखाएंगे कि चाइनीज जो है किस तरीके से कट करेंगे। आप जो है इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं शॉर्ट कटिंग का, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं, या लास्ट में वीडियो के लास्ट में जो है शो हो जाएगा इन स्क्रीन में, वहां से आप देख सकते हैं शॉर्ट का कटिंग। तो ये देखिए बैक पल्ला जो है हम इसको बिछा चुके हैं, ये फ्रंट भी रख चुके हैं। तो ये देखिए, ये जो है ना यहाँ से 1/2 इंच जो है, ये 1/2 इंच, ये 2 सूत 3 सूत जो है यहां से छोटा कर देंगे। कैसे ₹40 कैसे? 140 बने ले ठीक है। कितना बोलो कैसे? ठीक बात है, मोबाइल से काम करो तो नहीं काम करके पैसा डाल दो। तो ये देखिए बैक
पल्ला के ऊपर जो है फ्रंट पल्ला हम बैठा चुके हैं, तो इसको जो हम छोटा कट करते हैं, हाफ इंच से एक सूत कम। ये जो है कितने लोग अपने अपने हिसाब से छोटा करते हैं, तो हम जो छोटा, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये मार्किंग बिल्कुल यहाँ बराबर हो जाएगा, यहाँ पे छोट नहीं होता है, जो छोट होगा ये बैक पल्ला में, ठीक है। आप हाफ इंच से लेके 2 सूत 3 सूत कर सकते हैं, हाफ इंच से ज्यादा छोट नहीं करते हैं। तो ये देखिए ये जो छोटा है लगभग 3 सूत के आसपास है, तो इसको जो है इस तरीके से यहाँ तक मार्क लगा देंगे, यहाँ तक छोटा होगा, ठीक है। और यहाँ के बाद जो है इसको इस तरीके से, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से राउंड करते हुए इसमें मिला देते हैं। तो ये चकमिटी का हम मार्क नहीं लगाते हैं, ये कैंची से ही हिसाब से हम कट कर देते हैं। तो किस तरीके से करते हैं आप ध्यान दीजिए, इसको इस तरह से हटाएं और 2 सूत जो है इस तरीके से यहाँ तक, आधा से जो है हल्का बेसी इसको हम का किए सीधा कट कर दिए, उसके बाद जो इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे और सेम यहाँ लिया के इस तरीके से मिला देंगे, ये देख लीजिए, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से कटिंग करते हैं, आप लोग इस तरीके से कटिंग करते हैं तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो आप लोग जो है अगर कोई दूसरा फॉर्मूला है तो बताइएगा, और ये फॉर्मूला आप सभी को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए आप लोग जो है कितना हाइट लेते हैं, कितना डाउन करते हैं ये चाइनीज राउंड के लिए, तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो फिलहाल जो है इतना ही, तो चलिए लाइक भी कट गया, वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग जो है लाइक कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ।